हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आप सबका फेवरेट रेसिपी, और वो है पैन पिज़्ज़ा। ये बहुत ही चीज़ी क्रस्ट पिज़्ज़ा है जिसे मैंने पैन में बनाया है। ये देखने में भी बहुत ही कलरफुल है और इसका टेस्ट भी बहुत ही डिलीशियस होता है, और मैंने इसे गेहूं के आटे से बनाया है और आप इसे आसानी से घर पर भी बना सकते हो। तो चलिए आज मैं आपको दिखाऊँगी कि हम पिज़्ज़ा को पैन में कैसे बनाते हैं। पिज़्ज़ा बेस बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1 कप गेहूं का आटा। इसमें मैंने 2 चम्मच मैदा मिक्स कर लिया है, 4 चम्मच दही, 1 चम्मच बेकिंग पाउडर, 1 चम्मच चीनी, 1 चम्मच नमक, 4 छोटे चम्मच तेल और पानी। सबसे पहले एक मिक्सिंग बाउल में हम डालेंगे सारे इंग्रेडिएंट्स। यहाँ पे 2 तरीका होता है, या तो आप ईस्ट डाल के फर्मेंट कर सकते हैं, या फिर आप बेकिंग पाउडर और दही डाल के इसे फर्मेंट कर सकते हैं। आप कोई भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादातर पिज़्ज़ा मैदा से बनाया जाता है, लेकिन हम इसे गेहूँ के आटे से भी बना सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे तेल और इसे अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इस्तेमाल करेंगे बस थोड़ा सा पानी, क्योंकि मैंने पहले ही इसमें दही और तेल डाला है, और इसे हम एक नरम आटे में गूंथ लेंगे। अब इस गूंथे हुए आटे के ऊपर हम थोड़ा सा तेल डालेंगे ताकि ये आटा सूख ना जाए, और इसे हम एक मुलायम कपड़े से ढक के इसे हम सेट होने के लिए रख देंगे 1 घंटे के लिए, ताकि ये अच्छे से फर्मेंट हो जाए। अब 1 घंटे के बाद इस ढके हुए कपड़े को हम निकाल देंगे, और एक रोलिंग बोर्ड के ऊपर हम थोड़ा सा आटा छिड़क के हम इस डो को अच्छे से मसल लेंगे। अब इस आटे से हम 2 लोइयां निकाल लेंगे और इसे अच्छे से गोल बना लेंगे। अब हम 1 लोही को लेके इसे आटे से मिला के हम इसे बेलन से अच्छे से बेल लेंगे। हम यहाँ पे पिज़्ज़ा पैन में बना रहे हैं। पैन का बॉटम साइज होता है 9 इंच, इसलिए हमारे पिज़्ज़ा का बेस होना चाहिए तकरीबन 8 इंच। इसलिए हम पिज़्ज़ा का बेस तकरीबन 8 इंच के साइज का बेल लेंगे। अब इस बेले हुए आटे के किनारे को हम उठा के इसे हम अच्छे से फोल्ड कर लेंगे। और उंगलियों की मदद से इस आटे के किनारे को हम एक हल्का सा डिप देंगे चारों तरफ से। तो अब ये पिज़्ज़ा बेस का एज बनके तैयार है। अब एक फोर्क की मदद से हम इस आटे के बेस को चारों तरफ से पंक्चर कर लेंगे, ताकि जब हम इसे सेकेंगे तो ये चपाती या फिर रोटी की तरह फूले ना। तो ये आटा बेस बनके तैयार है। अब हम इसे पैन में हल्का सा सेक लेंगे। तो इस आटे के बेस को हम हल्का सा ग्रीस कर लेंगे तेल से, और इस गैस फ्लेम को हमें धीमी आंच पे ही रखना है। अब 2 मिनट के बाद इस बेस को हम दूसरी तरफ पलट देंगे। आप देख सकते हैं कि ये हल्का सा लाइट ब्राउन हो चुका है। हमें इसे बाद में फिर से पकाना है, इसलिए हम बस थोड़ी देर के लिए इसे सेकेंगे। अब 2 मिनट के बाद हम इसे दूसरी तरफ पलट देंगे। आप देख सकते हैं कि अच्छे से सेक चुका है। अब हम गैस फ्लेम को बंद कर देंगे। और ये रहे पिज़्ज़ा के इंग्रेडिएंट्स।
ये रहा पिज्जा बेस जो हमने तैयार कर लिया है। ये रहा एक कप मोजरेला चीज जिसे मैंने अच्छे से ग्रेट कर लिया है। ये रहा एक चम्मच टोमेटो सॉस। यहाँ पे मैंने लिया है बारीक कटे हुए वेजिटेबल्स, टमाटो, शिमला मिर्च, प्याज और कॉर्न। ये रहा पिज्जा सॉस और ये है पिज्जा मिक्स्ड हर्ब्स। आप इसे किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर से खरीद सकते हैं। तो सबसे पहले पैन में हम रखेंगे पिज्जा बेस, इसके ऊपर हम लगाएंगे टोमेटो केचप, इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ा सा मोजरेला चीज। आप चाहे तो कोई भी चीज इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम डालेंगे पिज्जा सॉस और इसे चारों तरफ अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। अब हम फिर से इसके ऊपर एक लेयर मोजरेला चीज का डाल देंगे। अब हम इसके ऊपर गार्निश करेंगे कटे हुए वेजिटेबल्स से। आप यहाँ पे ऑलिव्स, मशरूम्स या फिर पनीर भी डाल सकते हैं, ये आपका चॉइस है। अब हम डालेंगे कुछ कॉर्न्स। कॉर्न से इसका टेस्ट थोड़ा क्रंची भी हो जाता है और बहुत ही डिलीशियस भी लगता है। इसके ऊपर हम स्प्रिंकल करेंगे कुछ पिज्जा मिक्स्ड हर्ब्स और लास्ट में हम इसे ग्रेट करेंगे फिर से मोजरेला चीज से, ताकि ये पिज्जा का लेयर बहुत ही क्रीमी और चीजी दिखे। अब हम इसे ढक्कन से बंद करके इसे हम पकाएंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए, जब तक सारा चीज अच्छे से मेल्ट ना हो जाए। अब 10 मिनट के बाद हम ढक्कन को खोल देंगे। अब देख सकते हैं कि चीज अच्छे से मेल्ट हो चुका है। अब हम गैस फ्लेम को बंद कर देंगे। तो ये रहा हमारा चीज क्रस्ट आटा पिज्जा जिसे हमें पैन में बनाया है। अब हम एक करछी की मदद से इसे पैन से उठा के एक प्लेट में रख देंगे। अब एक पिज्जा कटर की मदद से हम इस पिज्जा को 4 हिस्से में काट लेंगे। तो देखिए, हमारा एक कलरफुल और डिलीशियस चीजी क्रस्ट पैन पिज्जा बनके तैयार है। अगर आपको मेरा रेसिपी पसंद आया हो तो इसे एक लाइक जरूर कीजिए और इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ जरूर शेयर कीजिए, और आप भी इसे अपने घर में जरूर बनाइएगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, ताकि आपको मेरे हर अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।